ये दोस्तों देखते हैं इस बाबा के बारे में क्या बात है क्या नहीं, जैसे उसे आपको परिचित करवा रहा हूँ। और आज हमारे साथ एक और साधु है जो हट तपस्या कर रहे हैं, और इनके सर पे देखिए जौ के कुछ पौधे हैं, और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल पौधे हैं। इनके सर में कोई मिट्टी नहीं है, सिर्फ बालों में ही इसे उगाएंगे पानी की मदद से। तो हम बाबा जी से पूरी बात करेंगे, उनकी तपस्या के बारे में आपको परिचित कराएंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अमरजीत संत रविदास है। जो आपकी ये तपस्या है इसका क्या नाम है? इसका तपस्या है हट सेवा। हट सेवा है। और ये पौधे किस चीज के आपके साथ? जौ है, चना है, इसमें और कुछ चीजें जामेंगे, आप लोग को मिलेगा 16 तारीख को। 16 कौन से 16? यही जो आएगा 16, इतने तक हो जाएंगे इसमें? हाँ, चना का पौधा है, आप लोग देखेंगे। चने का पौधा हम लोग देखेंगे। तो ये सब ओरिजिनल है, कोई आर्टिफिशियल नकली नहीं है? नकली नहीं है, इसमें जो है ओरिजिनल है आप लोग के सामने है, कोई लोकल काम नहीं है। तो ये हट हमारा आज 4 साल से सर पर ही जो बोते हैं। आप 4 साल से अपने सर में जो उगाते हैं? जो उगाते हैं, और हर महीने में 9 दिन रहता है हमारे सर के ऊपर। हर महीने में 9 दिन रहता है? दिन रहता है, चाहे जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई मास हो, 9 दिन हर महीने में रहता है। 9 दिन के बाद? 9 दिन के बाद इसको हम कहीं जैसे माँ शारदा के पास हुआ, मैहर हुआ, विंध्याचल हुआ, या और कहीं हुआ, अनेक जगह इनको विसर्जन दे देते हैं। और उसके बाद फिर लगाते हैं? फिर जो है समय आती है, फिर सेवा चालू हो जाता है। 9 दिन के बाद कितना गैप लेते हैं आप, कितना अंतर लेते हैं? 9 दिन के बाद वही मतलब मान लीजिए 2-3 दिन फिर गैप हो जाता है, या 15 दिन फिर गैप होता है, और कोई गैप नहीं होता है। तो आप इसमें तो हमारा 15 दिन गैप है, 15 दिन फूल रहता है, हरदम सर फूल रहेगा इसे। तो ये किस चीज पे उगता है, कोई मिट्टी वगैरह है अंदर? कोई मिट्टी नहीं है। तो फिर ये उगता कैसे है? ऐसे जैसे ये है, ये गढ़ा बन गया बालों का, देख रहे हैं किनारा, इसमें जौ भर दिए। अच्छा। उसके बाद इसको बांध दिए, बांध देने के बाद पौधा चालू हो गया, पानी इसमें सिंचाई चालू हो गई। पानी देते होंगे, और जो मिट्टी का काम है वो आपके बाल करते हैं? मिट्टी का काम मेरा बाल करता है, नमी का काम चमड़ा करता है, चमड़ा भी कभी कभी फट जाता है, नीचे का जो है जब बाल उठता है ऊपर तो चमड़ा बार जब कवर जाता है तो वहाँ फट जाता है, सर की चमड़ी फट जाती है। फट जाती है, इसमें जो जड़ है वो अंदर जाते हैं? अंदर चली जाती है। तो फिर जब निकालते हो तो दिक्कत? निकालते हैं तो वही दिक्कत होता है, ब्लड चल देता है। अच्छा, ब्लड भी आता है? ब्लड जाता है। और फिर वो ठीक करने की कोई दवाई? ठीक करने का कोई दवा नहीं, बस सिर्फ हम लोग मट्टी लगाते हैं, अपने आप साफ हो जाता है। अच्छा, देखिए दोस्तों ये जो पौधा है जब ये अपना जड़ा लेता है तो इनके सर के अंदर सर फट जाता है, चमड़ी, और फिर वो जड़े अंदर तक चले जाती है। तो ये जो पौधा उगेगा ये आपके सर, आपकी चमड़ी और पानी की मदद से? जी, सब पानी के सहारे ही सब उगाते हैं, और इसको बचत बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि खड़े खड़े बैठ के ही दिन बिताना पड़ता है, रात बिताना पड़ता है, सोने का मौका अब नहीं मिलेगा, सोने का मौका अब खत्म होने वाला है। तो आप सोते ही नहीं है फिर? जी, सोते नहीं, बैठे बैठे जैसे नींद आ रही है वैसे से टाइम बिता लिए, ये मेरा सोने का टाइम है, इसी तरीके हम सोते हैं। मतलब सर को आपको ना यूं झुकाना, ना यूं, ना यूं, यूं, यूं। जैसे कहीं वैसे करते रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, गिरता नहीं है? गिरेगा नहीं महाराज, ये लो देख लो, तुम लोग असलियत देख लो, जब देखना चाह रहे हैं तो जब आप लोग न्यूज देना चाहते हैं तो ले जाओ, दो जहाँ देना है, जो असलियत है लो देख लो। नहीं, लोग कहते हैं जो ये गलत करता है, मट्टी बांधता है, ये बांधता है, वो बांधता है, मैं जो समझेंगे नहीं। अच्छा जी, माँ क्या कर रही है? बहुत सारे लोग बाबा पे ये भी आरोप लगाते हैं कि आप झूठ कह रहे हो, अंदर मट्टी वगैरह रहती है। तो बाबा हमें पूरा खोल के दिखा रहे कि कोई मट्टी नहीं होती, जो इन्होंने बोला है कि इनके बालों के सारे, ये देखिए। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, देखिए क्या है, ये जौ का पौधा है, और ये इसके जड़ देखिए आप यहाँ पे, ये इसके जड़ है, और नीचे सारे जड़ियां देख लो, जहां देखना है देख लो। ये बाबा जी का सर है, इसमें बाल है, और बालों के सारे ये उग रहे हैं। तो महाराज आप इसमें पौधा इसलिए ये सोचना कि हम देना चाहते हैं किसान भाइयों को, जैसे लोग खेतों में खाद डाल रहे हैं तो उस खाद से वो खेत नुकसान हो रहा है, भलाई नहीं हो रही है, साल भर 6 महीने 2 साल के बाद वो खेत उखड़ा पड़ जाएगा, इतनी पावजन उसमें डाला जा रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो किसान भाई ये समझें जब बिना खाद पानी का अगर सर पे ये जमा सकते हैं तो बिना खाद पानी का जमीन भी पैदा होगा अनाज। देखिए अब महाराज पानी भी डालेंगे, और महाराज पानी का समय हो गया है, पानी का समय हो चुका है, देखिए कैसे डालेंगे, एक मिनट पाँव उठा देते हैं, देखना है पानी डाल देना। ये देखिए दोस्तों, ठंडी लग जाएगी बाबा? ठंडी नहीं, बार बार पड़ता है, अपना ठंडी अपने पास रख, जबान अपनी, ये तपस्या है बाबा जी, तपस्या है। देखिए मट्टी है कहीं झर रहा है? नहीं नहीं नहीं, मट्टी नहीं है। तो नहीं, ये देखिए आप यहाँ से कहीं है, आप कोई अंश है?
नहीं तो सच्चाई जो करना सच्चाई करना, गलत करना नहीं, कोई गलत नहीं होगा। चैनल हो कोई हो, क्योंकि हमने मीडिया से कई चैनल से जुड़े हैं। महाराज की देखिए, जो बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आपके बालों के अंदर मिट्टी है, तो बाबा ने पूरा खोल के दिखा दिया। और देखिए क्या है इसमें, कुछ है नहीं है, सिर्फ बालों के सहारे, चमड़े के सहारे सब शोर पड़ी है। जो है असलियत है आपके सामने भाई। गर्दन तो काट नहीं सकते हैं, अगर वो भी जरूरत आए तो उसको भी फाल के दिखा सकते। दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। वैसे हमें आप पे भरोसा था, लेकिन आपने दिखा दिया। अब आप ये लगा दीजिए महाराज। अभी लगाने में अब समय लगेगा बाबू। तो महाराज, महाराज इस तपस्या के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं सभी किसानों को, कि जो आप ये आर्टिफिशियल खाद अपने खेत में डालते हैं, एक दिन वो उपज खत्म कर देगा। उपज जो उपज करने की क्षमता हो जाएगी, हाँ, खत्म होना। जब सिर्फ पानी की मदद से ही कोई भी फसल उगाई जा सकती है महाराज। जी महाराज, जब आप ये 1974 में जो है बिना खाद का बिना पौधन का अनाज होता था, ये तो कुछ दिन 90 या 95 में जो है खाद का पौधन ज्यादा बढ़ाई चालू किया है। जय मां शीतला। महाराज आखिरी सवाल है आपसे, आप अपने सर में बीज लगाते हैं या पौधा लगाते हैं? हमने ऐसे बीज छोड़ देते हैं, सर में बीज छोड़ देते, पौधा ये बीज छोड़ देते हैं। जी देखिए, ये पौधा भी नहीं लगाते, ये सिर्फ बीज अपने, देखो जौ अभी निकला है, देखो इसमें से, ये देखिए जौ निकला है, देखिए जौ का बीज डालते हैं। और चना और क्या महाराज? चना है इसमें, हो सकेगा तो उर्दी भी मिलेगी गर्मी का। अभी है नहीं, डाला जाएगा आज या कल रात में डाल दिया जाएगा। आज बुआई होगी, हो सकेगा अब खुल गया तो बुआई कर देंगे आज। आप लोग को फिर ये 17 या 16 को मिलेगा अनाज, इसी 16-17 को अनाज। जी 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 जी। तो दोस्तों ये देखिए, अपने सर में अनाज का दाना डालते हैं, फिर उसका पूरा पौधा बना देते हैं, फिर उसे कहीं विसर्जित कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी ये जो तपस्या है ये सफल हो। महाराज की जय जय हो। दोस्तों आपको ये महाराज की तपस्या कैसी लगी, इनका जो मैसेज ये देना चाहते हैं समाज को, वह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक सिंह।